दोस्तों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के फर्स्ट टेस्ट मैच का हाइलाइट देखने से पहले आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन सी है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश के कप्तान नजमुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय कप्तान ने टॉस के दौरान की वह तीन तेज गेंदबाज और दो स्पिनर के साथ उतरेंगे। तीन तेज गेंदबाज जिसमें बुमराह, सिराज और आकाशदीप होंगे, वहीं दो स्पिनर आश्विन और जडेजा होंगे। बांग्लादेश की टीम भी तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरी है। तो वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर आता है। भारत को 14 के स्कोर पर पहला झटका लगा। छठे ओवर में हसन मोहम्मद के गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले का किनारा लगकर स्लिप में कप्तान सांतो के हाथों में चली गई। रोहित शर्मा 6 रन बना सके, तो वहीं 8वें ओवर में सुमन गिल भी आउट हो गए, वह खाता भी नहीं खोल सके। हसन मोहम्मद ने विकेट कीपर लिटन दास के हाथों उन्हें कैच कराया। इससे पहले हसन ने रोहित को आउट किया था और भारत को 34 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। पारी के 10वें ओवर में हसन मोहम्मद ने विराट कोहली को विकेट कीपर लिटन दास के हाथों कैच कराया। विराट कोहली 6 रन बना सके। भारत ने 15 ओवर के बाद 3 विकेट पर 57 रन बना लिए। भारत को 96 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। लंच के बाद तीसरे ओवर में ही भारत को ऋषि पंत के रूप में झटका लगा, उन्हें हसन मोहम्मद ने विकेट कीपर लिटन दास के हाथों कैच कराया। पंत और यशस्वी के बीच 62 रनों की साझेदारी हुई। पंत 39 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने 30 ओवर के बाद 4 विकेट पर 111 रन बना लिए। तो वहीं दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने 95 गेंद में टेस्ट करियर में 5वां अर्धशतक लगाया। जहां भारत के बाकी बल्लेबाज विकेट गवाते जा रहे थे, दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने एक छोर संभाले रखे थे, वह संभल कर खेल रहे थे और अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भारत ने 144 रन पर 6 विकेट गवा दिए। 144 के स्कोर पर भारत को 2 झटके लगे। पहले यशस्वी जायसवाल को तेज गेंदबाज नादिम राणा ने स्लिप में कैच कराया, वह 118 गेंद में 56 रन बना सके। इसके बाद केएल राहुल को मेहदी हसन मिराज ने जाकिर हसन के हाथों कैच कराया, वह 16 रन बना सके। तो वहीं दोस्तों, रविंद्र चंद्र अश्विन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट करियर में अपना 15वां अर्धशतक पूरा किया। घरेलू मैदान पर खेलते हुए अश्विन ने 58 गेंद पर 50 पूरा किया। रविचंद्र अश्विन के बाद रविंद्र जडेजा ने भी बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पहले पारी में अर्धशतक पूरा कर लिया। जडेजा के टेस्ट करियर का 21वां अर्धशतक है। तो वहीं दोस्तों, अश्विन और रविंद्र जडेजा के बीच 7वें विकेट के लिए शानदार साझेदारी से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए पहले पारी में 300 रन पूरे कर लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही लाइव मैच और क्रिकेट से जुड़े सारी अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।